हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह। क्योंकि बहुत दिनों से मुझे सवाल वगैरह आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे। अभी क्योंकि मैं ज़्यादातर जो वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं मैं नहीं पढ़ता हूँ ज़्यादा, जब टाइम मिलता तो मैं लिख देता हूँ। तो अभी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, जो ऐड होने चाहता है व्हाट्सएप ग्रुप में आके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो मेरे से सवाल पूछे गए हैं उनको मैं पाएंगे। पहले मैं यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप में, फेसबुक में आजकल यही ऐड आती रहती है, मकाऊ, पोलैंड। पोलैंड में तो 1% भी अभी काम नहीं है, वैकेंसी नहीं है, ये मैंने क्लियर किया। मकाऊ का मैं आपको बता देता हूँ 0.25। हाँ, अगर आपको कोई एजेंट मकाऊ की वैकेंसी के मिल रही है और आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वो बंदा जेन्युइन है या फ्रॉड है, उससे बस एक दो पॉइंट पूछो। उसे ये पूछो, अगर इंडिया का एजेंट है उससे पूछो, मकाऊ में आपकी एजेंसी है उसका लाइसेंस नंबर मांगो, क्योंकि विदाउट मकाऊ के लोकल जो एजेंसी होती है उसके थ्रू कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। एजेंट से पूछिए कि कौन सी एजेंसी के साथ आपका टाई अप है और उससे लाइसेंस नंबर भी मांगो, जो भी एजेंट मकाऊ की जॉब निकाल रहा है। फिर ये सिंपल सा सवाल पूछोगे, एक उससे पूछना कि आपकी कंपनी जो इंडिया में है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, अगर बोलेगा नहीं मैं किसी के थ्रू काम करता हूँ मकाऊ में, फिर उससे पूछना जो मकाऊ में एजेंसी है उसका लाइसेंस नंबर बता दो हमें, वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं। सेकंड आप ये सवाल करना है, जो बंदा जैसे ही आप एयरपोर्ट में जाते हो वहाँ जो आदमी पिकअप करने आएगा उसका आईडी प्रूफ जरूर लेना है। उसके आईडी प्रूफ से पता चल जाएगा कि वो बंदा मकाऊ में क्या काम करता है, और वो अगर ब्लू कार्ड शो करता है तो उससे आपको उसकी जॉब की डिटेल पता चल जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि एजेंट वो एजेंट है या जॉब कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे इंडियन हैं या अदर कंट्री के भी हैं जो वहाँ जॉब भी करते हैं और इन फ्रॉड कंपनियों के साथ, एजेंसियों के साथ मिलके, बंदों के एजेंटों के साथ मिलके आदमियों को ठगते हैं और वो आपको लूट लेते हैं वहाँ। तभी उनसे फर्स्ट उसका आईडी प्रूफ जरूर लेना है, उससे आपको पता लग जाएगा वो वहाँ जॉब कर रहा है क्या कर रहा है। थर्ड, आप उसे एजेंट को आप ये पूछें, अगर आपकी वहाँ पे जॉब नहीं लगती है, अगर आपको वो मकाऊ में लेके जाता है, जैसे वो बोलता है कि 1 लाख रुपया पहले दे दो, 2.5 लाख वहाँ जाके देना है, तो क्योंकि मकाऊ में जॉब्स बहुत कम है, अगर आपकी जॉब वहाँ पे नहीं लगती है तो जो खर्चा आप पर आया है फ्लाइट टिकट रहना खाना 70-80 हज़ार, क्या वो आपको रिटर्न कर देगा या नहीं, ये पूछना है। क्योंकि ज़्यादातर एजेंट बाद में बोल देते हैं आप पे 1 लाख का खर्चा आ गया है और रहने और खाने और फ्लाइट टिकट का 1 लाख खर्च हो गया, क्योंकि 99% एजेंट रिफंड नहीं देते हैं। इसलिए आप एक एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट बनाओ स्टैम्प पेपर पे, और नॉर्मल सा नहीं बनाना है, उसके लिए आप किसी गस्टर्ड ऑफिसर के सिग्नेचर भी करवाओ, 2 गवाही ले लो, और खास करके जो इंडिया का एजेंट है उसका पासपोर्ट नंबर वगैरह सब कुछ लिख लो, क्योंकि बाद में ये पैसा रिफंड वगैरह नहीं देते हैं। ये 3 सवाल आप पूछोगे ना तो एजेंट खुद ही समझ जाएगा कि ये आदमी समझदार है, वो आपको ठगने की कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको भी थोड़ा चलाक होना पड़ेगा। ये 3 सवाल आप हमेशा पूछो उस एजेंट को। हाँ, मेरी बात थोड़ी रुक गई थी, मैं बोलना चाहता हूँ जो 1% जेन्युइन एजेंट है वो आपको बोलेगा मैं आपके साथ मकाऊ में जाऊँगा और आपकी जॉब लगाऊंगा, उसके बाद पेमेंट लूँगा। तो अगर कोई एजेंट बोलता है आपने 1 लाख रुपया इंडिया में देना है बाकी वहाँ मेरे एजेंट को देना है, तो आप सीधा मना कर दो, किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि मकाऊ में बहुत फ्रॉड है, वहाँ पर आपसे पैसे ले लेते हैं और भाग जाते हैं,
जो एजेंट होता है वहाँ आपसे पैसे ले लेगा, जो 2.5 लाख वहाँ जाके देना है, और वो भाग जाएगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो मकाऊ का लोकल है, और इंडिया वाले को आप कॉल करोगे उसका स्विच ऑफ आएगा। तो इंडिया वाला भी पहले 4-5 बार आपकी कॉल उठाएगा, उसके बाद वो भी नॉट रीचेबल कर देगा। इसलिए मैं आपको एक वीडियो डाल रहा हूँ प्रूफ के लिए कि आप भी वो वीडियो देखो और देखो कि मकाऊ में कितना फ्रॉड है। और लोग मेरे से पूछ रहे थे मकाऊ में विजिट पे जा सकते हैं, हाँ आप मकाऊ में विजिट पे जा सकते हो और जॉब भी सर्च कर सकते हो। मकाऊ का जो विजिट है वो ऑन अराइवल है, इसके लिए आपको टिकट अप और डाउन की लेनी पड़ेगी और ऑन अराइवल वीजा है वहाँ का, और आपको होटल बुकिंग शो करनी पड़ेगी। हाँ, और ये भी लोग पूछ रहे थे वहाँ कोई एजेंसी वगैरह, हाँ अगर आप वहाँ विजिट पे खुद से गए, अगर किसी लोकल एजेंसी से आप टाई अप कर रहे हो हाँ जॉब के लिए, तो कभी भी किसी भी लोकल अगर एजेंसी से कर रहे हो पहले देखना कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं, फर्स्ट ये करो, और सेकंड ये करो कि जब तक आपका लोकल एजेंसी इंटरव्यू और फिंगरप्रिंट नहीं करवाती है, फिंगरप्रिंट के बाद ही आप उनको पेमेंट करो। और एजुकेशन, एजुकेशन 10th तो बोलते हैं, कम से कम 12th पास होनी चाहिए और इंग्लिश आनी चाहिए, कम ही आए लेकिन आनी चाहिए। और जॉब वहाँ पे कहाँ है, कौन सी है, ये पॉइंट में बता देता हूँ। मकाऊ में जॉब सिक्योरिटी गार्ड, वो भी 5.9 लगा लो 6 फिट के करीब, और एकदम फिजिकल फिट होना चाहिए, बिल्कुल भी कोई बोलेगा मेरी आई साइड वो कमजोर है वो वगैरह नहीं चले, एकदम फिट चाहिए आदमी। और अगर एजेंट आपको बोलता है कि मैं जिस कंपनी में आपकी जॉब लगवा रहा हूँ वहाँ रहना कंपनी देगी, मकाऊ में कोई भी कंपनी रहने के लिए नहीं देते हैं, वो खुद को अपने लिए प्रोवाइड करना पड़ता है, खुद से रहने का अकोमोडेशन खुद से लेना पड़ता है, कोई भी कंपनी देती है। अगर कोई एजेंट बोलता है हाँ वहाँ कंपनी अकोमोडेशन भी आपको देगी, सोच लो वो फ्रॉड बोल रहा है। और बस वीडियो में छोटी रखना चाहता हूँ, आप अभी वीडियो के एंड में वो देख लो वीडियो जो मैंने डाली है, लड़के कैसे फ्रॉड हो रहा है, जो इंडिया के एजेंट कैसे फ्रॉड करते हैं। बाकी किसी भी ऐरे गहरे एजेंट से मकाऊ मत जाओ, अगर जाना तो खुद से चले चले जाओ, ऑन अराइवल भी जाए। कहाँ से आया भाई? मैं इंडिया से आया, मद्रास से। थोड़े जोर के बोलो। मैं एजेंट के लिए 5 लाख 5 लाख। और क्या बोला एजेंट ने? काम मिलेगा मिलेगा तक नहीं। क्या बोला है, पूरा बोल क्या बोला है? क्या वो क्या बोलेगा, अभी एक डेढ़ वेट करो, काम मिलेगा अभी थोड़ा वेट करो, मैं चेक करेगा, ऐसा बोलता है। कितना टाइम हो गया यहाँ पर आया? इधर आके 1 महीना है। 1 महीना, 1 महीना हो गया, और 5 लाख ले, 5 लाख ले जाए इंडिया। और क्या बोल रहा, काम मिला नहीं यहाँ पर, क्या करेगा कोई भी मालूम नहीं पड़ता है, वो करने क्या 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 करेगा वो करेगा। माँ बाप मम्मी डैडी क्या करते हैं? मम्मी का बहुत प्रॉब्लम है। घर फोन क्या था? हाँ घर मद्रास। मद्रास नहीं, कितना आदमी है तुम? मैं इधर आए 5 साल 5 साल से मेरे साथ में आए, अभी कोई भी आदमी काम नहीं है, पूरा आदमी के पैसे पूरा ले लिया। तो वो एजेंट का पता है कौन है? हाँ। घर पता है उसका? घर पता मालूम है, वो क्या कर रहे हैं मेरे मालूम है। तो पाँचों आदमी से 5-5 लाख रुपये ले लिया? हाँ पूरा पैसा ले लिया, तो बाद में पैसा रिटर्न नहीं देगा वो नहीं बोला, अभी थोड़ा वेट करो बोल के, अभी अभी टाइम भी मैं 10-20 बजे। ये देख लो भाई, ये बेचारा भाई है इंडिया से और इसका 5 लाख रुपये ले लिया, और 5 साथी हो रहा है, 5-5 लाख रुपये ले लिया मकाऊ में, ना इनसे काम मिला कुछ, ना कुछ नहीं मिला इनको, और इतना फ्रॉड हो रहा है सारा, पूछो मत। ठीक है ना, बच के रहो भाई, अब ये देखते हैं क्या होता है इन बेचारों का, इनकी हेल्प को करनी पड़ेगी, अब देखते हैं भाई। और कुछ बोलना भाई? मैं इधर बहुत प्रॉब्लम है, नहीं तो पैसा पैसा देगा बोलता है, मैं भी पैसा देगा, कोई भी काम लेगा तो आपको पूछना, मैं पैसा आपको देगा देगा, मैं काम करेगा, काम करने के लिए आया तो अभी काम नहीं मिला। यार तुम्हें पता है ऑन अराइवल भेजा, तुमने पैसा क्यों दिया वहाँ पर? तुम यार किसी बात तो तुम्हें पता नहीं था इस बारे में, वो बोलता है वेट करो, मैं क्या बोला है वही 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 सुन करो,
दूसरा क्या बात करता है, बाकी आदमी कहाँ है? दूसरा आदमी के साथ कोई भी आदमी बात नहीं करता हूँ, वो मैं बैठा हूँ, मैं सोचा मैं आएगा मैं पूछेगा वो काम मिलेगा नहीं मिलेगा आपको मालूम पड़ता है, आप क्या बोलेगा तो वही करो क्या करते हैं। बाकी आदमी कहाँ है? बाकी आदमी रूम में सर्किल पर है, सर्कल पर दूर है भाई। ये बेचारा मकाऊ में है लड़का, पाँच छः साथी है इनके साथ, और ये पाँच लाख रुपये एजेंट ने ले लिया, अपलोड कर चुके एजेंट अभी।